हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए यूट्यूब पे अपना एक और वीडियो लेक्चर। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था मार्की और एम्बेड टैग। ठीक है, मार्की टैग में मैंने ये सब एट्रीब्यूट्स आपको बताए थे, डायरेक्शन, स्क्रॉल अमाउंट, बिहेवियर, लूप। इसके अलावा आप चाहो तो इसमें बीजी कलर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप बैकग्राउंड कलर का भी यूज़ कर सकते हो, तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर दे दिया रेड। इसको मैंने सेव किया, रन पे जाके इसको मैंने लॉन्च इन क्रोम कर दिया। तो अब आप देखोगे ये जो मार्की है इसका बैकग्राउंड का कलर कैसा हो जाएगा। मतलब मार्की में भी अपन बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं और बॉडी में भी दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो पूरे बॉडी के पूरे बैकग्राउंड में आप कलर डाल सकते हो, बीजी कलर इक्वल टू करके, है ना। ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये आप देख रहे हो इसके मार्की के बैकग्राउंड में क्या आ गया, कलर आ गया। ठीक है, तो ये मार्की टैग और एम्बेड टैग तो अपन ने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज अपन सीखते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ हेडिंग एंड पैराग्राफ। ठीक है, हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ टैग बताता हूँ। हेडिंग एंड, तो ये टाइटल बार है, टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो मैंने टाइटल के अंदर लिख दिया। आज अपन सीखेंगे हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ टैग। ठीक है, ये सब पार्ट में हटा देता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट तो हमेशा आपका रहेगा, HTML ओपन क्लोज, हेड ओपन हेड क्लोज, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज। बैकग्राउंड में अगर कुछ कलर देना चाहो तो कलर दे सकते हो, इमेज देना चाहो तो इमेज देना दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपन, अब बैकग्राउंड में अगर कलर देना हो तो अपन बीजी कलर का यूज़ करते हैं, और बैकग्राउंड में अगर आपको इमेज डालनी हो तो आप बैकग्राउंड इक्वल टू करके लिखोगे। लेकिन आप एक चीज़ में यहाँ पे आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे बीजी कलर अपन देते हैं, बैकग्राउंड में कलर देना है तो अपन इस तरीके से कलर का नाम लिख देते हैं तो कलर आ जाता है। लेकिन कलर को मैं हेक्साडेसिमल कोड के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा हेश हेश 00 00 FF। अगर ये लिखा मैंने, ये क्या है, हेक्साडेसिमल कलर कोड है। इसमें अपन हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। हेक्साडेसिमल क्या होता है, एक नंबर सिस्टम होता है जो 0 से लेके F तक होता है ना, 0 0 से लेके 15 तक। तो आप इसमें जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हैं, है ना, हेश के बाद, हेश जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हेक्साडेसिमल कलर कोड है। उसके बाद ये जो 2 जीरो लगाए हैं वो रेड के लिए हैं, फिर ग्रीन के लिए 2 जीरो जो आपने लिखे हैं, 2 डिजिट जो हैं 0 के ग्रीन के लिए हैं, उसके बाद जो 2 डिजिट हैं वो ब्लू के लिए हैं, RGB। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, सारे रंग जो हैं, सारे कलर्स इन तीनों रंगों से मिलके बनते हैं, रेड ग्रीन ब्लू से। ठीक है, तो आप 2 डिजिट रेड के लिए रखोगे, 2 ग्रीन के लिए और 2 ब्लू के लिए। अब मुझे रेड वाला पोर्शन नहीं चाहिए था तो मैंने इसको 0 0 कर दिया, और ब्लू वाला पोर्शन, ग्रीन वाला पोर्शन भी नहीं चाहिए तो मैंने इसको 0 कर दिया, और ब्लू वाले पोर्शन में, जो ब्लू वाला पोर्शन में, उसमें फुल वैल्यू डाल दी, जो मैक्सिमम हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है FF, वो डाल दी। ठीक है, अब इसको मैं चला के देखता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, तो अब आप देख रहे हो बैकग्राउंड का कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। अगर आपको सपोज रेड वैल्यू चाहिए या ग्रीन वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसमें FF कर दिया, इसमें 0 0 कर दिया। मुझे रेड नहीं चाहिए, ब्लू नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ग्रीन चाहिए, तो मैंने ग्रीन वाले दोनों डिजिट्स को FF कर दिया, तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। इसी के साथ साथ आप जो है वैल्यू को कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे मुझे अभी प्योर ग्रीन आ रहा है, प्योर ग्रीन नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन चाहिए। तो वैल्यू जितनी कम करते जाओगे कलर उतना ज़्यादा डार्क होते जाएगा। ठीक है, और कम अगर मैं कर देता हूँ इसको, मैंने इसको 8 8 कर दिया, 8 8 कर दिया, तो इसका जो कलर है और भी ज़्यादा डार्क हो गया। तो वैल्यू जितनी कम करते जाओगे कलर उतना डार्क होते जाएगा। और मिक्स भी कर सकते हो, जैसे मैं उसमें चाहता हूँ कि थोड़ा सा रेड का पोर्शन भी मिक्स हो जाए, तो रेड की वैल्यू मैंने दे दी 7 6। ठीक है, रेड में मैंने 7 6 डाल दिया और ग्रीन में मैंने 8 8 डाल दिया, तो इन दोनों का मिक्स होके एक नया कलर प्रोड्यूस होगा, आप देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं, है ना, क्योंकि कलर्स के नाम तो अपन को कितने याद होंगे, थोड़े ही बहुत याद होंगे। ठीक है, तो अगर आप कलर्स को कंबाइन करते हो
तो आपके पास अलग अलग, जैसे आप कॉपी वगैरह में स्केच पेन यूज़ करके कलर्स तैयार करते हो, सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो ये तो था हेक्साडेसिमल कलर कोड की बात मैं यहाँ पे कर रहा था। उसके बाद अपन आते हैं हेडिंग टेक पे। ठीक है, तो हेडिंग जो होती है सिक्स टाइप की होती है, हेडिंग सिक्स टाइप की होती है, H1 से लेके H6 तक। हेडिंग होती है सिक्स टाइप की, H1 से लेके H6 तक। तो मैंने H1 ओपन किया, H1 क्लोज़ किया, ये भी क्या होता है, एक पेयर टेग होता है। ओपन होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्लोज़ भी होगा, अंदर आपको जो भी लिखना हो लिख सकते हो। मैंने हेडिंग लिख दिया। ठीक है, सिक्स टाइप की हेडिंग होती है। H1 का साइज़ सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा होता है, H3 उससे छोटा। मतलब जैसे जैसे आपका नंबर इंक्रीज होते जाएगा तो साइज डिक्रीज होते जाएगा। H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, और लास्ट में आपका H6 आता है, वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, H1 से H6। ठीक है, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ होते जाएगा तो साइज डिक्रीज़ होते जाएगा। इसको मैं चला के दिखाता हूँ। मैंने सेव किया, ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो ये आपकी सारी हेडिंग्स आ गई। H1 का साइज़ सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह हेडिंग में आप एट्रीब्यूट्स, अब हेडिंग की खास बात क्या है, हेडिंग जो है आपको बॉल्ड फॉर्म में दिखाई देती है। हेडिंग अपन को बॉल्ड फॉर्म में दिखाई देगी, मतलब ये डार्क दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट का थिकनेस ज़्यादा आ रहा है ना। और दूसरी खास बात इसकी क्या है, इसमें अपन को ब्रेक नहीं देना पड़ता है। इससे पहले अपन ने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें आपने देखा था न्यू लाइन में अगर किसी चीज़ को लाना था तो मैं ब्रेक लगा रहा था, लेकिन हेडिंग में मैंने ब्रेक नहीं लगाया, फिर भी अपने आप जो है हर चीज़ लाइन ब्रेक होके आ रही है। तो हेडिंग अपने आप एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे लाइन ब्रेक प्रोवाइड करता है। हेडिंग अपने आप एक ऊपर एक नीचे लाइन ब्रेक प्रोवाइड करता है, आपको यहाँ पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको पैराग्राफ, ब्रेक लगाने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हेडिंग के कुछ एट्रीब्यूट्स मैं आपको बताता हूँ, अलाइन एट्रीब्यूट बताता हूँ मैं। हेडिंग का एट्रीब्यूट होता है अलाइन। एट्रीब्यूट्स को हमेशा ओपन टेक के अंदर यूज़ करना है। अलाइन इक्वल टू, आप इसकी वैल्यू दे सकते हो सेंटर। सेंटर लिखोगे तो आपका, आपकी जो हेडिंग है वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, अलाइन इक्वल टू आप सेंटर लिख सकते हो या फिर राइट लिख सकते हो। अलाइन इक्वल टू राइट लिखोगे तो आपकी हेडिंग राइट में चली जाएगी, और लेफ़्ट लिखोगे तो आपकी जो हेडिंग है वो स्क्रीन के लेफ़्ट में आ जाएगी। लेकिन पहले से ही हर चीज़ लेफ़्ट में आ रही है, तो आप नहीं भी लिखोगे तो लेफ़्ट, अलाइन इक्वल टू लेफ़्ट करोगे या नहीं करोगे, आपकी वो हेडिंग लेफ़्ट में ही रहेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन क्या होता है, लेफ़्ट होता है। हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में आती है। अलाइन इक्वल टू लेफ़्ट लिखोगे या नहीं लिखोगे, आपकी जो हेडिंग है वो लेफ़्ट में ही रहेगी। हेडिंग के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पैराग्राफ। मैंने पैराग्राफ ओपन किया, पैराग्राफ क्लोज़ किया। पैराग्राफ भी अपने आप एक ऊपर एक नीचे लाइन ब्रेक प्रोवाइड करता है हेडिंग की तरह। और पैराग्राफ और हेडिंग में डिफरेंस क्या है, पैराग्राफ और हेडिंग में डिफरेंस ये है कि पैराग्राफ जो है नॉर्मल फॉर्म में आता है और हेडिंग डार्क फॉर्म में आती है। ठीक है, पैराग्राफ और हेडिंग में डिफरेंस ये है कि जस्ट पैराग्राफ जो है नॉर्मल फॉर्म में आता है और हेडिंग डार्क फॉर्म में, बोल्ड फॉर्म में आती है। तो इसको मैंने कुछ दे दिया अलाइन। इसमें भी आप अलाइन अलाइन इक्वल टू सेंटर लेफ़्ट राइट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप वैल्यू चेंज कर करके देखना है यहाँ पे, सेंटर लेफ़्ट राइट। ठीक है, अलाइनमेंट सेट करने के लिए। बस डिफरेंस पैराग्राफ और हेडिंग में क्या है, डिफरेंस यही है कि पैराग्राफ आपका नॉर्मल ही आएगा और हेडिंग जो है बोल्ड फॉर्म में आएगी, है ना। दोनों ही अपने आप एक ऊपर एक नीचे लाइन ब्रेक प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे अपन को किसी वेब, कोई अपन वेब पेज वगैरह बना रहे हैं तो उसमें अपन को किसी पेज का जो टाइटल देना है, होम पेज, अबाउट अस, तो उसके लिए अपन हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, और अंदर का जो कंटेंट है वो अपन पैराग्राफ में डाल देंगे। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। एंजॉय प्रोग्रामिंग विथ पंकज पंजवानी।